नमस्कार मित्रों, आज हम लोग सवाल देखेंगे। 30 यदि sec थीटा बराबर 13 बटा 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो इसमें भी देखिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया क्या हल, हल में दिया है, लिख लेंगे। दिया है sec थीटा बराबर 13 बटे 12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो sec थीटा बराबर दिया है 13 बटे 12, अर्थात sec बराबर होता क्या है, तो कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, तो लंब निकालना है तो लंब निकाल लेते हैं। हम डायरेक्ट ही निकालते हैं फ्रेंड्स। लंब बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण का मान रख देते हैं यहाँ पे। कर्ण का मान 13, अंडर रूट में इसका वर्ग माइनस में 12 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 13 169, और 12 144, 9 में से 4 जा 5, 6 में से 4 जा 2, 1 में से 1 जा 0। ठीक, इतना बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 का वर्ग बराबर 5, यानी कि लंब कितना निकल गया, लंब निकल गया 5। आधार कितना है, आधार हो गया 12, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 13। ठीक, कर्ण हो गया 13। तो अब इससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। 3 निकाल दे रहे हैं हम। साइन ए बराबर लम्ब बटे कर्ण, सिर्फ अब इसमें मान रख देना है लम्ब बटे कर्ण। तो लम्ब का मान दिया हुआ है कितना, 5, और कर्ण का मान कितना है 13, तो 5/13 हो गया। इसी तरह से cos ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13, तो 12/13 हो जाएगा। और cos के बाद से जो है tan, मान लीजिए tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो लम्ब बटे कर्ण, तो लम्ब कितना है 5, लम्ब बटे आधार, सॉरी लम्ब बटे आधार, लम्ब बटे आधार, तो लम्ब आधार कितना हो जाएगा 12। इसी तरह से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे फ्रेंड्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पैमाना याद है, भुजाओं का अनुपातिक संबंध, तो आप सब ज्ञात कर सकते हैं, केवल मान रख देना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सदा खुशहाल रहिए, हमें भी आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए, और अपना बहुमूल्य राय हमें अवश्य से दीजिए। धन्यवाद।